सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे जो हमारे बड़े थे, इनकी पतलून 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलून उतारने लगा है। कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े। पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मेजर गौरव आर्या की। तो भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो भाई कारगिल वॉर के इतने दिन बाद जो है किसी आर्मी चीफ ने जो प्रेजेंट में मतलब इन चेयर है उसने जो है ये एक्सेप्ट किया है कि भाई कारगिल वॉर में ना हमारी मतलब फौज इन्वॉल्व थी। बाकी इनके यहाँ बोलने को तो पहले भी मुशर्रफ भी कई जगह बोला था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कोई सिटिंग जो है आर्मी चीफ पाकिस्तान का आज तक नहीं बोला था कि भाई वहाँ पे कारगिल वार में पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व थी। लेकिन भाई इस बार जो है 6 सितंबर को जो इनका योम दिफा पता नहीं क्या डिफेंस डे मनाते हैं उसमें इनके आर्मी चीफ ने भाई बोला है कि हमारी आर्मी जो है इन्वॉल्व थी। तो इसी रिलेटेड जो है मेजर गौरव आर्या ने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या हुआ था। और मेजर गौरव आर्या को अब पता है कि भाई पाकिस्तान पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो उन्हीं की ये वीडियो है। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पर नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये, हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कप्तान, कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है कौन है, हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, यह है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा, तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, ये उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी छोटी फौज है, आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं जो हमारे बड़े थे इनकी पतलून 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलून उतारने लगा है। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी, तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है ही नहीं, ये तो कबायली हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई। अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े, कैसे बहादुरी से लड़े भाई, तुम तो थे ही नहीं यहां पर। दोस्तों जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965 इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी, और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने ये सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इरेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने एक साल पहले रण ऑफ कच्छ में जो कि गुजरात में है वहां पर एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जनून किसके सर पर चढ़ा, जंगी जनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है जी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े,
लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इरेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी, इन्होंने 1965 में अपने इरेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले, और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा, और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने आपको पता है क्या करा, कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री, ना इंडिया का वर्जन पढ़ना ना पाकिस्तान का पढ़ना, आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा इंडियन मुस्लिम्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। ठीक है, वहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी फौज आ गए आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा, और लाहौर तो बचा बचाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था उसके एक साल पहले, यानी कि 1964 में तुम लोगों ने रन ऑफ कच्छ में क्या करा था, जरा ये भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े, हाँ हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े, जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था ढाका में, अभी भी तुम्हारी पतलूना टंगियां सूख रही हैं, अभी तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी, राइट, ये भी हमें पता कितनी बहादुरी से तुम्हारी फौज लड़ी। और 1999 कारगिल, वाह वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा, आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे, और इंडियन नेवी ने, और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोट्स लगाई, इनका गला सूख गया, इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे, क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं, ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं दोस्तों मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था, वहां पर चिकन का सैंडविच रखा हुआ था, फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है यहां पे हम जाएंगे ऐसा करेंगे, ये मुंह में ठूस रहा था, यू स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस, तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है क्या हो गया वहां पे, पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों, पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल, उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे, वहां पर फायरिंग हो गई। अब तक पाकिस्तानी मीडिया यह नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे, कोई कह रहा है दर्जन मरे, कोई कह रहा है 20 मरे, कोई कह रहा है 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोज, कोई कह रहा कोई भी नहीं मरा, ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठी चार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टियर गैस हुआ है, कोई कह रहा फायरिंग हुई है। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब कोई ग्रेनेड ले आया था बीच में, किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, अब पता नहीं जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फौज को, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की फौज को यह नहीं पता कि इमरान खान जैसे बंदे का क्या करना है। और दोस्तों अब मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये तो जो घटना थी घट गई 1-2 दिन पहले यार, ये तो कल की घटना है प्रोटेस्ट की, और उसके पहले की घटना है जब उसने बोला कि साहब हमारे फौजी तो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी वीरता से लड़े, ये सब कारगिल का नाम लिया, 48, 49, 47 का, वो सब ठीक है यार, वो अलग मैटर है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसी बात है, अब जियोपॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना, एक तो ये हो गया क्या हुआ, अब जियोपॉलिटिक्स ये बताती है हमें कि किस तरीके से इमरान खान भी अमेरिकन्स के पीछे लगा हुआ है कि मुझे निकालो और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, और फौज भी लगी है अमेरिकन्स के पीछे। दोस्तों यह भी सच्चाई है, आज की तारीख में जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है चाइनीज और अमेरिकन्स के बीच में, और उनको एक बात तय पता है बिल्कुल, दे नो फॉर श्योर 100% कि जितने भी मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है जी, चाहे वो IMF हो, ये सारी की सारी अमेरिकन कंट्रोल है, चाइना के पास एक नहीं है ऐसी। हाँ, चाइना अपने बैंक से बोल के लोन दिलवा सकता है, ठीक है, चाइना खुद पैसे दे सकता है, लेकिन चाइना देता है बड़े मोटे ब्याज पे, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी उसके पैसे वापस करते करते। और यहां पे IMF है, IMF 24वीं बार पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, और पिछले 23वीं बार जो दिया पाकिस्तान ने मुंह पहुंचा, हाथ वाथ झाड़ा, बोला थैंक यू वेरी मच यार, अच्छा लगा, डकार मारी पाकिस्तान ने, कहानी खत्म हो गई, या डकार भी नहीं मारी होगी, राइट। अब देखो पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया दोस्तों ये सब, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सीन्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इस वक्त,
किस तरीके से भीड़ उमड़ के आई है, किस तरीके से वहां पे बिल्कुल हाय तौबा मची हुई है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों टोटल स्टोरी ये है कि जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को बनाया गया, तो शहबाज शरीफ कटोरा लेके पहुंच गया चाइना, और चाइना का चूरन इसने चख लिया। शहबाज शरीफ चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवाई थी इमरान खान नियाजी ने। यह बात तो हर एक पाकिस्तानी मानेगा कि इमरान खान ने बोला कि कागज दिखाओ भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज दिखाओ और यह प्रूव करो कि यह पाकिस्तान के फायदे में है कि नुकसान में है, उसने यह बोला। और इमरान खान कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं था दोस्तों। ही वॉज नेवर अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान के नुकसान में है, ये मुझे समझा दो, कागज दिखाओ। फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को कागज दिखाने से मना कर दिया। जब उसने इंसिस्ट करा, जब वो पीछे पड़ गया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं यार, तो मुझे भी कागज नहीं दिखा सकते, तब ये मरे मन से लाए कागज। ये मरे मन से लाए कागज जब इमरान खान ने देखे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज, इमरान खान के होश फाख्ता हो गए। इमरान खान ने उसमें चाबी लगवा दी, चाबी लगवा दी, चीन का बन गया दुश्मन। जब चीन का बन गया दुश्मन, तो चीन ने उसको फड़का दिया, राइट? अच्छा, इसमें आता है अमेरिका का मामला। बीच में अमेरिका मांगता है ड्रोन बेसिस। जब ड्रोन बेसिस मांगता है अमेरिका उससे, और इमरान खान मना कर देता है ड्रोन बेसिस के लिए, तो यह कह देता है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इमरान खान के मन में यह बात थी, कई लोगों ने यह सोचा कि चाइना का एजेंट है, कई लोगों ने यह भी समझा कि यह अमरीका का एजेंट है, क्योंकि कभी यह काम ऐसे करता था कि चाइना के मफाद में हो, कभी काम ऐसे करता था जो कि अमेरिका में फायदे में हो। लेकिन दोस्तों इसने ही मैनेज टू अपसेट बोथ ऑफ देम। इमरान खान ने चीन के खिलाफ भी कुछ काम करे और अमेरिका के खिलाफ भी कुछ काम करे, बहरहाल उसकी गद्दी चले गई, वो जेल में है। आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोटे पैसे खर्च कर रहा है अमरीका में लॉबिंग के ऊपर। हजारों डॉलर हर महीने खर्च किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से, और वहां पे लॉबिंग की जाती है कि इमरान को निकालो, इमरान को निकालो। एक और चीज है, वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनेगा, वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले, बहुत पहले हमने खबर कवर करी थी और दो दो बार कवर करी थी कि ऑक्सफोर्ड का उसको चांसलर बनाने का, कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए। एक बार वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाएगा तो दुनिया के सामने खबर आ जाएगी कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर जेल में भाई, उसको निकालो जेल से। और प्रेशर बन जाएगा पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, राइट? जैसा मैंने बोला, वो भली भांति इस चीज से परिचित है कि पैसे अब चाइना से ज्यादा नहीं आने वाले। जो पैसे आएंगे वो अमेरिका बहादुर से आएंगे। अमेरिका ऐसे दे या ऐसे पकड़े नाक, पैसे अमेरिका ही देगा। कैसे देगा अमेरिका पैसे? अमेरिका इस तरीके से पैसे देगा, कभी IMF से लोन दिलवा दिया, ठीक है जी, कभी अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को बोला कि यार देखो 1-2 बिलियन दे दो इनको। इसी प्रकार से दाएं बाएं अमेरिका पैसे देता रहेगा। अब आप सोचिएगा पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो पूरा कह रहा है ना आसिम मुनीर, ये हो गया, ये हो गया, सितंबर का महीना है, 1965 की लड़ाई और यौम दिफा और फलाना डेम का, ये सारा का सारा, ये क्या झूठ है? ये है पब्लिक का मोराल रेज करने की बात, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका मोराल, उसका मोटिवेशन सब घुटनों में, जूतों में आ चुका है, और इससे आसिम मुनीर बहुत ज्यादा परेशान है। तो बीच बीच में झूठ बोल के कि तुम्हारे फौजियों ने बड़ा बलिदान दिया और बड़ी शहादत दी, कुछ नहीं दी, सरेंडरी फौज है ये, 2% की फौज नहीं है। आई तो एनी वे डोंट लाइक दिस आर्मी, इट्स अ यूजलेस नॉन प्रोफेशनल आर्मी, ठीक है जी। अब आखिरी चीज, इमरान खान का मैटर क्या है? ये मैटर और बढ़ेगा दोस्तों, इसको अमेरिका हवा देगा, जिसकी वजह से इमरान खान जेल गया था, वही लोग इसको जेल से धीरे धीरे निकालेंगे, राइट? अगर डील सेट हो गई तो इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, अगर डील सेट हो गई तो 2026 के पहले इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का, अगर डील सेट हो गई। सारी चीज है, इमरान खान को किसी ना किसी के साथ डील करनी पड़ेगी, चाहे वो अमेरिकन के साथ कर ले, चाहे वो चाइनीज के साथ कर ले, चाहे वो पाकिस्तानी फौज के साथ कर ले। और पाकिस्तानी फौज इस डील में किसी के साथ भी डील करेगा, वो बिचौलिया पाकिस्तानी आर्मी बनेगी, ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों चलते हैं, इसमें भाई कोई डाउट नहीं है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान थे उन्होंने लड़ने की कोई कसर छोड़ी है, अपने से 3 गुना आदमी से लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बड़ी हिम्मत की बात होती है। यहाँ पे अगर फेलियर हुआ है ना, तो भाई हमारे जो कमांडर थे, जो हमारे जो पीछे जो भेजने वाले थे, उनका फेलियर है, क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं थी। अगर कश्मीर में लोग भेजने हैं या बाहरी भेजने हैं या आर्मी के जो जवान भेजने हैं,
ना तो उनको कश्मीरी आती थी और ना ही वो माहौल में गिल उनके शक्लें उनसे मिलती जुलती थी। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान को ये कारगर्मी हुई ना 1999 में, जो भी फौजी मतलब यूसुफ भाई दूर दूर इलाकों से उस कारगिल के लिए गए उनको स्पेसिफिक पहले चीजें नहीं बताई गई, पता ही नहीं था भाई जाएंगे वहाँ पहाड़ी इलाका में कैसे रहना, रास्ते क्या है, ये जगह कैसी, यहाँ से कैसे गुजरना है, ये सारी चीजें बड़े इश्यूज क्रिएट हुए। सही बात है। और भाई बाकी मेजर साहब ने खुद ही मिसाल दी कैप्टन की, मेजर साहब जो इंडियन आर्मी ने पकड़ लिए थे और जब वो पकड़ने आ रहे थे ना वो पता क्या मांग रहे थे, हमें हथियार भेजो, हमें हथियार भेजो, भूखे थे कई दिनों से भूखे भाई साहब हथियार मांग रहे थे, जब भी बात होती हमें हथियार इतना बादली की ना कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे जो बड़े लीडर थे उनकी खराबी है। वो 65 भी 71 की बात करें तो भाई भुट्टो साहब ने शुरू करवाई थी 65 भी 71 भी दोनों जंग उसी की वजह से हुई थी, दोनों जंग जिंदौराना उसकी अकड़ ने उन्होंने थोपा ये वो कमर ऐसी हमारी टूट गई। अय्यूब खान तो उस समय भी पीछे पीछे हट रहा था, अय्यूब खान आप उसकी वो तो कभी जंग नहीं चाहता था, बहुत अमन पसंद जन्नत हुआ है जी सुकून वाला, ये तो भुट्टो साहब को चुल थी उसके लोगों का जियो और जीने दो ऐसे होने चाहिए। बाकी प्लानिंग गलत थी भाई उनके अपने अपने, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ खराबी करनी थी, हीरोपंती दिखानी थी। और हाँ जो हराम का पैसा आता है ना वो आता हुआ भी बंदे को ना वो थोड़ा सा चुभता रहता है, वो उंगली आती रहती है। बाकी वो मेजर साहब पैसे मिलते थे, मेजर साहब कह रहे हैं इमरान खान के जलसे के लिए कि अमेरिकन में वहाँ पे लॉबीज हो रही है उनकी फंडिंग से, वो तो हो रही है। कल इमरान कल एक जनरल मिला इमरान खान को जब हुआ ना परसों जलसा यूसुफ भाई इस्लामाबाद में जी, नहीं इससे तो पिंडी में मिला है ना अडियाला जेल में, वो तो अडियाला जेल में मिला ना जलसा तो इस्लामाबाद में होगा, तो इसी ऑफर की गई है कि आप हमारे साथ नेगोशिएशन करो और एक साल के लिए आप बाहर चले जाओ, ये चुप करके बैठ जाओ। एक काफी ज्यादा ना इंटरेस्टिंग मेजर साहब की जो वीडियो है ना, क्योंकि एक देखा जाए ना काफ़ी देर से है ना जब कोई भी चीज़ नहीं मिलती, कोई भी टॉपिक नहीं मिलता और ऐसे ही लगता है कि अब जो न्यूज़ है ना वो कम हो रही हैं, तो तब या तो हमारे ISPR जो वाले हैं IS वह जो कर देते हैं अपनी आके कोई कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ताकि दो दिन एक न्यूज़ बन जाए लोगों की, कुछ हमारे ऊपर बोल लें, और जब देखते हैं कि उनकी बात नहीं बनती तो तब हमारे बड़े साहब आ जाते हैं, वो आकर बात कर देते हैं। जैसे अब उन्होंने आकर यही बात बोल दिया कि हम देख लो कि कितनी अजीम फौज हैं, कि इतनी जंगें हुई हैं तो कभी भी हमने पाकिस्तान का नाम नीचे नहीं लगने दिया, जो भी है हम आगे बहुत ऊपर तक लेकर गए, और कोई भी अगर दुश्मन बोला है तो हमने उनको एक अच्छे से जवाब दिया है। मतलब ये वाली अब जो लास्ट है ना उन्होंने ऐसे ही बोला है, लेकिन ये कि अब कितनी देर तक ये चूरन चलेगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये चीज़ें बिल्कुल ना दब चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका जो काम है ना वो ख़त्म हो रहा है। आगे फिर इमरान खान वाला टॉपिक आ जाता है तो अब वो इनके हाथ तो आया नहीं, आपके सामने ही हर चीज़ बहुत सारा कोशिश की है इन्होंने, लेकिन फिर भी ना वो इनके हाथ नहीं आ रहा। देखो अब क्या करते हैं क्या नहीं, अभी हैं उसके पीछे ही देखो। नहीं वाकई सही बात है, एक ऐसे ही हुआ है क्योंकि एक डिफेंस एक दिन था तो एक तब इन्होंने एक मतलब कि अपना एक तकरीर वगैरह उधर की है, स्पीच दी है, तो वो बस सेम टू सेम बातें वही एक चार जंगों पर कारगिल वगैरह और हर चीज़ पर है, वो तो फर्स्ट दिन से एक मान रहा है, एग्री हो रहा है। पीछे एक आप जनरल बाजवा थे जब उन्होंने तो कुछ एक तादाद कम कर दी थी तो उन्होंने कोई ना कोई स्पीच लिखी होती है जो एक देनी होती है, लेकिन उसने भी कोई ऐसे एक भंग सी मार दी थी तो तब भी काफ़ी एक न्यूज़ बनी थी। लेकिन अभी एक जनरल आसम मुनीर ने भी अभी एक तकरीर की है एक डिफेंस दिन पर, पता नहीं क्यों मनाते हैं हमें तो खुद नहीं पता चलता, एक क्योंकि हम हर जंग ही आ रहे हैं तो पता नहीं इन्होंने एक डिफेंस कैसे की थी। हाँ ठीक है एक लड़े थे जो उसमें एक शहीद हुए हैं ये तो बेचारे उनको भी एक छोड़कर आ गए थे, तो ये एक रियलिटी है जिस पर एक एग्री होना चाहिए एक सबको और एक रियलिटी बतानी चाहिए जो भी होता है। लेकिन
आगे जो अब एक मामले इमरान खान साहब के उठ रहे हैं ना, वो काफ़ी एक ना एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक जो एक लास्ट एक जलसा हुआ है ना एक कल परसों, वो काफ़ी ना एक बहुत तादाद उसमें थी एक लोगों की, और बहुत एक इन्होंने रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन एक हो नहीं सका इस इनसे वीडियो कुछ को भी। देखकर जो है वो फाइनली जो है वो पता चल चुका है कि कारगिल वॉर के अंदर पाकिस्तानी फौज मुलव्वस थी इतने सालों तक, और पाक स्टडीज के अंदर और इधर उधर जो है वो इतना झूठ पढ़ाने के बाद फाइनली जो है वो अपने मुंह से ही कबूल कर लिया है कि हम लोग जो थे वो उसमें मुलव्वस थे, और पाकिस्तानी एक जर्नल थे जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं था कर रहा, ठीक है। और फिर एसपीएफ आई थिंक सो बाजवा साहब थे जिन्होंने जो है वो भी इंडियन आर्मी के थे कैप्टन, उन्होंने जो है वो इस चीज को कहा कि नहीं यार ये बंदा लड़ा है और ये लड़के जो है वो उसने बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो लड़के मरा है, तो उसको वो सारी फौज को जो वहां पे मरी पड़ी थी ठीक है उनकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई। देखो यार इंडिया वालों का दिल, उनकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, और ये लोग तो मान ही नहीं थे रहे ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और जो है कश्मीर के अंदर भी फौज घुसा दी, फिर कश्मीरी लोगों ने, मुस्लिम कश्मीरियों ने जो है वो इंडियन आर्मी को बताया कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के या कुछ लोग जो है वो अननाउन बंदे जो है वो यहाँ पे घूम रहे हैं। मेजर गौरव आर्या सर खुल के बोलने वाले बंदे हैं, ये तो कहीं ना कहीं हकीकत है। और दूसरी बात है कि मामला पाकिस्तान के ऊपर इतनी को सख्त नजर इनकी होती है, या इतना इनको डीपली इंफॉर्मेशन होती है, काफी बातें इनकी मैंने सुनी है और जो मुझे मैंने देखा था बाद में को बाकी सच्ची थी। अगर इस वीडियो के बारे में बात की जाए, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। और अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं कि पाकिस्तान जो मत कह लो कि यहाँ हिंद के जो मुसलमान थे, इन्होंने एक आपस में डिसाइड किया था कि हम कलमे के नाम पे बनाएंगे और इस्लाम को नाफिज करेंगे। बहुत सारी जो बातें थी यहाँ के लोगों ने, वो उनको मजहबी लोगों को भी साथ में मिलाया और बहुत बड़े बड़े खानदानों को भी साथ मिला के मुल्क बनाया, और उस मुल्क में जो कहा कि हम इस्लामी कानून लेके आएंगे, इस्लाम की बात होगी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे जो है ना साथ में मिलाई। पर मैं अगर हकीकत में बात करूं, अगर 1948 में अगर जो फाइट हुई है वो होगी, 1965 वाली जो फाइट होगी या 71 वाली होगी या कारगिल होगी, इन सारी चीजों के अगर बंदा डीपली नजर रख के बात करे या समझे ना, तो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो एक भी इस्लाम के नाम पे नहीं हुआ। इस्लाम ने कहा कि अमन से रहें, हमें इस्लाम एक तालीम देता है कि अमन से आपने रहना है, आपके जो दोस्त हों उनके साथ भी अमन के साथ रहें, आपके जो हमसाए हों उनके भी हकूक हैं, उनको भी आपने इग्नोर नहीं करना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई इमरान खान का ना एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, तो जिसकी बहुत बड़ी मुहिम मची हुई थी कि भाई हमने इमरान खान को बाहर निकालना है, और लोग आपको पता है कि इमरान खान जब जेल में गया ना तो तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था, आर्मी घर आर्मी चीफ के घर पे अटैक कर दिया था, वहां से कोर में तो पता नहीं क्या कुछ उन्होंने उठा लिया था कि इमरान खान हमारा लीडर है उसको जाने नहीं देंगे, फिर आर्मी ने लोगों की हवा टाइट की तो फिर लोगों को भी पकड़ के जो इसमें मुलविस थे उनको जेलों में डाल दिया, डंडे सोटे पड़े सबको, तो फिर इस तरह से सारा मामला कंट्रोल हुआ था, लेकिन पब्लिक ने बहुत ज्यादा जो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है ना उसका नुकसान बहुत ही ज्यादा किया था। तो अभी इमरान खान को भाई जैसे कि मेजर साहब ने बोला कि बाहर निकालने की पीटीआई वाले कोशिश कर रहे हैं कि कभी वो अमेरिका के जा आगे जाकर उनके जूते जो होते हैं ना वो चाट रहे हैं कि भाई हमें हमारा जो लीडर है ना उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाल लो, ताकि जो है ना वो फिर से प्रधानमंत्री, लोग यार पता नहीं मुझे इमरान खान नहीं पसंद। तो ये थे गाइस आज की वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई मेजर गौरव आर्या ने इस वीडियो में भाई जो इन्होंने वॉर की बात करी है कि इनके जो हैं फौजी बहुत बहादुरी से लड़े थे, तो मेजर गौरव आर्या ने और उसकी सच्चाई हर इंडियंस को पता है कि वो कितनी बहादुरी से लड़े थे। आई नो कि भाई फौज है, फौज लड़ने के लिए ही होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आके यहाँ बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से फाइट करते हैं। लेकिन जो इनके यहाँ मतलब कि जो लोग इनको यार बिना एक होता है ना किसी रीजन से लड़ना, एक होता है मतलब बेवकूफ़ी के लड़ना, तो ये इन लोगों ने जब भी लड़ाई करी है ना बेवकूफ़ी के लिए ही करी है, मतलब उसका जिसका कोई मतलब नहीं होता फालतू का, जैसे किसी इंडिया को उकसाते थे कि हाँ इनसे लड़े जाके। और 1965 वाली वॉर अभी पीछे वीडियो डाली थी आप लोगों ने, उसमें थोड़ा देखा ही होगा। तो बाकी भाई चाहे कारगिल वार हो या 1948 की हो, 71 की हो या 65 की हो, तो इंडियन आर्मी भी मतलब अभी जो जिस कर्नल की ये बात कर रहे थे जिसको निशाने हैदर पतनी इनके यहाँ का एक, जैसे हमारे यहाँ वीर चक्र परमवीर चक्र होता है, तो वैसे इनके यहाँ एक निशाने हैदर अवार्ड है। तो इंडियन आर्मी के एक जो है जिनका नाम अभी गौरव मेजर गौरव आर्या बता रहे थे,
तो उन्होंने भाई वहाँ पाकिस्तान के आर्मी को लिखा, मेरे ख्याल से लेटर लिखा था कि ये बंदा बहुत बहादुरी से लड़ा था और इसको भाई अपने यहाँ मतलब इसको सम्मानित करो ये वो। तो तब अब जाके उसको जो है अभी 2-4 साल 5 साल पहले मेरे ख्याल से उसको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया, तब पाकिस्तान में लोगों को पता चला कि हाँ कारगिल में ये बंदा लड़ते हुए जो है शहीद हुआ था। तब तो अब तो उसके गाँव में भी मेरे ख्याल से काफ़ी जैसे अपने यहाँ सबके यहाँ होता है आर्मी वगैरह शहीद होते हैं तो उनके नाम पे कुछ होता है जैसे कि रोड गेट गुट बनता है, तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान में भी किया है तो उनके गांव में तो खैर उसको शेर खान कुछ ऐसे नाम था उसका। तो बाकी का भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।